सो टुडे वी विल डू क्वेश्चन आंसर्स ऑफ हनुमान एंड आई, ओके, चैप्टर नंबर 8। ये तो बहुत लॉन्ग चैप्टर है। सो यू कैन सी हियर क्वेश्चंस अंडरस्टैंडिंग द प्ले, ए एक्सरसाइज है आपकी और आपके तीन क्वेश्चंस दिए गए हैं, राइट। सो अब ये तीनों आंसर्स हैं आपके, 1 2, ए का 1 और 2, राइट, और 3। नेक्स्ट आपका क्या है, रीड द एक्सट्रैक्ट। इसमें मैंने आंसर्स इसी में लिख दिया है तो आप इजीली देख सकते हैं और समझ सकते हैं। मैं आपको समझा भी दे रही हूँ, जैसे कि देखिए इसमें बोला गया है कि क्या किसने बोला है ना, तो इसमें देखिए आई विश आई कुड गेट राधाज रोल, ये किसने बोला था, रूपा ने बोला था। नेक्स्ट क्या बोला गया है, इसमें नेक्स्ट बोला गया है आइडेंटिफाई, आई डोंट थिंक द टीचर विल गेट यू रामाज रोल, ये अनु ने बोला था, ओके। नेक्स्ट क्या, आइडेंटिफाई टू स्पीकर्स, सो टू स्पीकर्स आर रूपा एंड अनु। फिर क्या लिखा है, वाई वोंट द स्पीकर इन लाइन 1 गेट रामाज रोल, तो द स्पीकर इन लाइन 1 गेट रामाज रोल बिकॉज, क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, बिकॉज शी इज shorter than Radhika, okay, and have a shrill voice, because she is shorter than Radhika and have a shrill voice, okay class। इसके बाद देखिए क्या लिखा है, which role does the teacher assign to the speaker, so कौन सा रोल असाइन किया था, मंकीज रोल इन वानर सेना, the teacher assigned to the speaker मंकीज रोल इन वानर सेना, ओके। नेक्स्ट देखिए क्या, हु इज द, अब ये जो लाइन दी हुई है इसका पूछा गया है, हु इज स्पीकर, तो टीचर है, और हुम इज द स्पीकर टॉकिंग टू, तो टीचर इज टॉकिंग टू रूपा, राइट, एंड व्हाई डज शी आस्क द लिसनर टू बी हनुमान, सो शी आस्क द टीचर टू बी हनुमान बिकॉज अलका हु इज सपोज टू प्ले द रोल इज सिक, ओके, इज द लिसनर एबल टू मैनेज द रोल, सो आप क्या लिखेंगे, नो द लिसनर नॉट एबल टू मैनेज द रोल, ओके। अब नेक्स्ट नेक्स्ट हमारा आता है थॉट्स लाइफ स्किल्स और वैल्यूज और राइटिंग स्किल्स, राइट। तो अब हम ये आंसर्स करेंगे, नाउ यू कैन सी द आंसर ऑफ थॉट्स, फिर लाइफ स्किल्स राइट। लाइफ स्किल्स के आपके दो क्वेश्चन है ए एंड बी, सो ये दोनों आंसर दिए गए हैं, राइट। और वैल्यूज और राइटिंग स्किल्स आपका होमवर्क है, यू हैव टू डू बाय योर ओन, सो बाय बाय।